दोस्तों OnePlus अपना न्यू स्मार्टफोन OnePlus Nord C4 Lite 5G को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका इंडिया लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म हो गया है। ये फ़ोन इंडियन मार्केट में 24 जून को लॉन्च होने वाला है और लॉन्चिंग से पहले इस फ़ोन का सारा कन्फर्म डिटेल्स बाहर निकल के आ गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस फ़ोन के बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रहेगा, ये फ़ोन लुकवाइज कैसा होगा और इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें मिलेगा, सारा कन्फर्म डिटेल्स बताएंगे और बताएंगे कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में कितने प्राइस पर लॉन्च होगा और कार डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन को कितने में मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं पूरे डिटेल्स में OnePlus Nord C4 Lite 5G के बारे में। दोस्तों इस फोन का बॉक्स कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा और इस फोन के बॉक्स में OnePlus Nord C4 Lite 5G स्मार्टफोन रहेगा, उसके बाद टाइप सी केबल रहेगा और कुछ कागजात रहेगा और एक सिम निकालने वाला पिन मिलेगा और एक एडाप्टर मिलेगा। इस फोन के बॉक्स में यही सब चीज़ें रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं इस फोन के लुक का। तो ये फोन बैक साइड से कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इस फोन का हैंड्स ऑन फर्स्ट लुक भी बाहर निकल के आ गया है। ये फोन बैक साइड से प्लास्टिक बैग के साथ ही आएगा। इसमें दो कैमरा का सेटअप रहेगा, दोनों कैमरा दो अलग अलग सर्कुलर कटआउट में रहेगा और एक LED फ्लैश मिलेगा। फोन का फ्रेम प्लास्टिक का ही होगा। फोन इन हैंड फील में बहुत अच्छा होगा, जब आप फोन को हाथ में लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील देगा। वहीं फोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा, जहां साइड का वेजेस तो ठीक ठाक रहेगा लेकिन चिन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। फोन फ्रंट साइड से भी ठीक ठाक होगा लेकिन बैक साइड से ज़्यादा अच्छा होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन लुक में बढ़िया फोन होगा। वहीं इस फोन के वेट और थिकनेस का बात करें तो इस फोन का थिकनेस 8.1 mm रहेगा और इसका वेट 191 ग्राम्स होगा। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोर वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहेगा। इसमें पीक ब्राइटनेस 2100 निट्स तक का रहने वाला है और इसका HBM मोड 1200 निट्स तक का रहने वाला है। फोन डिस्प्ले वाइज अच्छा होगा, जब आप फोन को चलाएंगे तो फोन चलाने में आपको बढ़िया लगेगा। नॉर्मल यूज में बेस्ट होगा, जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे, ऐप ओपन क्लोज करेंगे, ये सब में बहुत अच्छा होगा। डिस्प्ले का टच सेंसिटिविटी भी बढ़िया रहेगा और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में तो खैर बेस्ट होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको व्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में फ़ोन टॉप क्लास का होगा। वहीं इस फोन के कैमरा का बात करें तो ये फोन रियर साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां की मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। इसमें OIS भी रहेगा और इसमें सोनी का लाइटिया 600 वाला सेंसर मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा होगा। सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। इस फोन का मेन कैमरा बहुत अच्छा होगा और जब आप इस फोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कोई भी कंडीशन में तो फोन अच्छा क्वालिटी निकाल के देगा। डिटेलिंग को अच्छे से मेंटेन रखेगा, कलर को भी अच्छे से बैलेंस करेगा, डायनेमिक रेंज में भी बढ़िया होगा, लो लाइट भी ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन कैमरा में बेस्ट होगा। अगर इसमें अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता तो ये फोन कैमरा में और ज्यादा बढ़िया होता। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो ये फ़ोन 5500 mAh के बैटरी के साथ आएगा, जहां 80 वाट के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा तो फ़ोन बैटरी में बेस्ट होगा। आज के टाइम में जितना फास्ट चार्ज के सपोर्ट का नीड होता है उससे ज़्यादा ही इसमें मिलेगा और बैटरी भी ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि जनरली 5000 mAh का ही बैटरी मिलता है लेकिन इसमें 5500 mAh का बैटरी मिलने वाला है। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी टॉप क्लास का होगा। और ये फ़ोन 5G के कनेक्टिविटी के साथ आएगा और इंडिया में जो भी पॉपुलर बैंड होगा वो सारे बैंड का सपोर्ट मिलने वाला है और ये फ़ोन 5G कनेक्टिविटी में बेस्ट होगा। 5G नेटवर्क पे स्पीड भी बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका एंटीटू स्कोर 5 लाख से ज़्यादा रहेगा। फ़ोन परफॉर्मेंस में ठीक ठाक होगा। नॉर्मल टाइप का गेमिंग इस फोन में करेंगे तो गेमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। नॉर्मल टाइप के गेमिंग में फ़ोन बहुत अच्छा होगा, हैवी गेमिंग में आपको दिक्कत हो सकता है, वैसे ये फ़ोन एक नॉर्मल यूजर के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। प्रोसेसर के मामले में ये फोन थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, अगर थोड़ा और अच्छा प्रोसेसर इसमें मिलता तो ये फोन प्रोसेसर में भी बेस्ट होता। वहीं इस फोन के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फोन LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा और जब आप इस फोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या कोई बड़े फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे या कोई ऐप को बैकग्राउंड में रन कराएंगे या एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करेंगे तो ये सब चीज़ें ठीक ठाक से हो जाएगा। स्टोरेज और रैम टाइप में फ़ोन ठीक ठाक ही होने वाला है। और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा और इसमें मिनिमम 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 17 तक जाने वाला है। दोस्तों यही सब पूरा डिटेल्स था ये OnePlus Nord C4 Lite 5G से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स देखिए साफ क्लियर है कि OnePlus इस फ़ोन को इंडियन मार्केट में अच्छे प्राइस पर लॉन्च करता है तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए बढ़िया हो सकता है। वहीं इस फ़ोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों लीक्स में इस फ़ोन का प्राइस बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में 19,000
15,000-20,000 के आसपास लॉन्च होने वाला है। इसका लॉन्च प्राइस 19,000-20,000 रुपये रहने वाला है और सारे डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन आपको 17,000 या बहुत ज़्यादा हो तो 18,000 में मिल सकता है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आया था OnePlus Nord C4 Lite 5G से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।